नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने लाइव स्ट्रीम सेशन के एक और वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जैसे कि आप लोग हमेशा से बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, प्लीज़ मुझे बताइए कि वेदर आई एम विजिबल और नॉट एंड वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, बस ये दो चीज़ मुझे बता दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो आर गुड, थैंक यू जी। चलिए अब हम लोग जो है अपनी दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं लाइव चैट के ऊपर। बहुत बढ़िया, ठीक है। डॉक्टर पंकज सोनी, गुड इवनिंग सर। भवानी डे जी, गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग जी। भवानी डे जी कह रहे हैं सर, कुछ खाने के बाद थ्रॉट में बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, प्लीज़ सजेस्ट मेडिसिन। पल्सेटिला लीजिए भवानी डे जी, पल्सेटिला इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, ठीक है, और 7 दिन लेकर के देखिए। प्रतीक भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम, नमस्कार सर जी। सोनिया बागी जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सोनिया जी, कैसी हैं आप। शिरा शेख सर, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऑडियो एंड वीडियो आर गुड, चैट टू बी ऑन, हो गया सर, चैट इज ऑन। सैम जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। राम प्रसाद पांडे जी बोल रहे हैं, पेन इन द टिप ऑफ द नोज एंड टिप ऑफ द ईयर, रेडनेट स्वेलिंग ऑन द टिप ऑफ द नोज ईयर एंड ईयर, मेडिसिन प्लीज। कैलीबाइक्रोम लीजिए सर जी, सिफिलिटिक कैरेक्टर है ये, बेसिकली ये जो नोज का कार्टिलेज है ना आपका, एक्चुअली उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो जो नोज का जो टिप है और प्लस जो ईयर की आप बात कर रहे हैं, प्लस मेनली जो नोज का सिम्टम है वो कैलीबाइक्रोम मेडिसिन का है, तो आप प्लीज़ कैलीबाइक्रोम लें 30 पोटेंसी में, चार चार गोली 3 बार 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद बात करते हैं। परथा सारथी जी बोल रहे हैं, सर आई एम टेकिंग बेराइटा कार्ब 200 लाइकोपोडियम 30 फॉर द जेनेटिक बाल्डनेस, डू अदर मेडिसिन रिक्वायर। नो, नॉट एट ऑल सर, नो अदर मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, दिस प्रिस्क्रिप्शन इज एम्पली सफिशियंट, कोई दिक्कत नहीं है आपके ना। चलिए, स्ट्रीम लैग तो नहीं हो रही है, अभी शुरू शुरू में मेरे को पता नहीं क्यों हल्का सा लग रहा था कि लैग सा हो रहा है, क्योंकि शायद गर्मी के दिन है, लैपटॉप थोड़ा सा हीट अप हो जाए मे बी। मुझे ऑलरेडी क्रॉनिक बैक पेन और बर्निंग है, 3 डे से बैक लिफ्ट फेल होने से ग्राउंड फ्लोर पर जोर से गिरे, बैक पेन इंक्रीज हो गया। सर आर्निका लीजिए ना प्लीज, ये आर्निका लीजिए, आर्निका इन द 200 पोटेंसी, शिराज शेख सर जी, और नेट्रम सल्फ इन द 6x बायोकेमिक फॉर्म में, नेट्रम सल्फ इन द 6x है ना। गोपाल शर्मा जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गोपाल जी, कैसे हैं। क्या चैट का डिले चल रही है क्या। अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, सर इन विच केस ऑफ द अस्थमा रेस्पिरेटरी इशू एस्पिडो स्पर्मा इज इंडिकेटेड। एस्पिडो स्पर्मा बेसिकली लंग्स फेलियर के अंदर ज़्यादा इंडिकेटेड होती है अभिषेक जी, जो लंग्स का पैरालिटिक कंडीशन होती है, खासकर जो हम पैरालाइज पेशेंट के अंदर देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, कि जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं 90% में उनकी जो डेथ होती है आफ्टर द, खासकर कोमा में जो पेशेंट होते हैं ना, जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं, इनमें से 90% से ज़्यादा की जो डेथ होती है अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण होती है। तो जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जैसी कोई भी स्थिति है तो यू कैन यूज दैट मेडिसिन, बट मेरे को बहुत मौका नहीं मिला तो कुछ मैं अच्छे से कह नहीं सकता। सर पाम स्किन कट रही है, दवा बताइए। ग्रेफाइटिस लीजिए धन्नू बेलाडोना जी, ग्रेफाइटिस इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार 15 दिन के लिए। मूर्ति श्रीपल्ली जी, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं आप। भवानी डे जी, आप प्लीज़ स्पाम ना करें, मैंने आपके कमेंट का जवाब ऊपर ही दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना, ऐसे में फिर मैं क्या है, मैं बहुत पेशेंस नहीं रहता तो मैं क्या फिर वो बैन वगैरह दे देता हूँ चैनल से। आप बार बार स्पैम ना करें प्लीज़, है ना। कुछ खाने पीने के बाद गले में बर्निंग सेंसेशन होता है, मेडिसिन मैंने पल्सेटिला बता चुका हूँ, 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 15 दिन के लिए। और बिल्कुल लाइक नहीं करा आप लोगों ने, लाइक कर दीजिए, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप लोग सवाल करने की, टाइप करने की जहमत उठा सकते हैं इतना सारा लिख लिख के, तो आप एटलीस्ट यू कैन लाइक द स्ट्रीम, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा स्ट्रीम को। सोनिया जी पूछ रही हैं, सर अगर फीवर में ठंड लग रही हो तो कौन सी टॉप 2 मेडिसिन देनी चाहिए। मेरे सर सोनिया जी, इस तरह से अप्रोच मत रखिए, अगर प्रैक्टिस करना हो तो प्लीज़ ये अप्रोच नहीं रखिए कि फीवर में अगर ठंड लग रही है तो टॉप मेडिसिन, ये अप्रोच ही गलत है।
आपको बस एक चीज समझना है कि जब फीवर के अंदर ठंड लग रही है तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं, तो अप्रोच को करेक्ट करिए। इस तरह से नहीं होता, आप टॉप टू मेडिसिन में आपको कम से कम 50 बीमारियां 50 फीवर गिना सकता हूं जिसके अंदर ठंड लगती है। आप क्या 50 बीमारियां इन दो मेडिसिन से कवर कर लेंगे? नहीं, गलत है, सवाल ही गलत है। कपिल रथी जी बोल रहे हैं, सर इम्यून सिस्टम के लिए मेडिसिन बार बार जो पेशेंट बीमार होते हैं, कैल्केरिया कार्ब है ना, कैल्केरिया कार्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, और इसको हैनीमैन ने स्क्रोफलेस कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, स्क्रोफलेस पेशेंट बताया है जिनको बार बार बीमार पड़ते हैं खासकर वेदर चेंज पे, ठंड आने पे। किराज सर शेख सर पूछ रहे हैं, सर माय फ्रेंड हैज द मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स डायग्नोस्ड इन द 2D इको, ही हैज द पल्पिटेशन एंड हैड टू मेंटेन द नॉर्मल पल्स रेट एज पर द व्हाट कैन। ना सर, बिल्कुल छेड़िएगा मत सर केस को, बहुत वल्नरेबल केस होते हैं सर, ठीक है। कुछ अपने आप भी अगर होना होगा तो फिर अपने अपना नाम आता है कि नहीं वो तो हमने वो मेडिसिन ली थी एंड आफ्टर डेज द आफ्टर दैट द स्थिति बिकम डिटोरिएटेड। तो सर प्लीज सर स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ केसेस। ये बहुत सर बहुत एक्सपीरियंस चाहिए सर, मतलब आप समझिए कि जिसने कार्डियक के सीरियस केसेस कम से कम 100-200 में सर नहीं पीटा हो ना ऐसे केसेस के ऊपर, तो तब तक सर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सर, तो लीव इट सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मानस कुमार जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? सैम जी पूछ रहे हैं, सर एज फार एज आई नो द ग्रेफाइटिस इज फॉर द क्रीमी डिस्चार्ज, व्हाई हैव यू सजेस्टेड इन द केस ऑफ द सोरियासिस? प्लीज क्लियर माय डाउट एंड एनलाइटन माय, बट गाली मत देना। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर एज फार एज आई नो द ग्रेफाइटिस इज फॉर द क्रीमी डिस्चार्ज, व्हाई हैड यू सजेस्टेड इन द केस ऑफ द सोरियासिस? सैम जी, एज पर द रिपर्टरी जो है ना, ग्रेफाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका आपका टेक्निकली यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट, आप ऐसे करेक्ट हो आप टेक्निकली सैम जी कि आपका सही सोचना है बिल्कुल, कि सोरियासिस के केस के अंदर कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है। एस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल सही हो, गाली गलौज की बात ही, मैं पागल थोड़ी हूँ कि जबरदस्ती आपको गाली देने लगूंगा, बिल्कुल सही हो आप। बट एज पर द रिपर्टरी आप देखिए, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिपर्टरी का आप सोरियासिस के लिए क्रॉस चेक करोगे ना, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड दैट द ग्रेफाइटिस इज बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। और शायद आपने ऊपर कुछ ऐसा कटवट का लिए मेरे से पूछा था अभी, शायद आपका कमेंट था, मैं भूल गया किसका था, तो वो ग्रेफाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। म्यूकोसा के लिए मेडिसिन प्लीज सर, किस प्रकार का म्यूकोसा सर, थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। मूर्ति श्री पल्ली सर जी थोड़ा सा क्लियर करिए। राम प्रसाद पांडे जी बोल रहे हैं, सर एज 54, हाई बीपी है, नो शुगर, बर्निंग ऑन बोथ द फिट एंड बर्निंग इन द यूरेथ्रा एज वेल, द पेन इन द टेस्टिकल्स ऑल्सो, बिल्कुल स्टिफनेस एंड पेन इन द काफ एंड द क्रैक। सर दो मेडिसिन बता रहा हूं, सल्फर एंड पल्सेटिला। राम प्रसाद जी, सल्फर 30 एंड पल्सेटिला 30, चार चार गोली दिन भर में 3 बार फॉर द 20 डेज, बस इतना दे दीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। मेरी मदर को फुट के नीचे बिग साइज का कॉर्न है, एंटीम क्रूड दीजिए 200 पोटेंसी में भवानी डेजी, है ना, एंटीम क्रूड इन द 200 पोटेंसी भवानी डेजी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। सर सुबह एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता, आफ्टर ब्रेकफास्ट दोबारा जाना पड़ता है हर मील के बाद, बिल्कुल नितिन नरूला जी, द मेडिसिन इज द येलो सरकंटीना 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार 1 महीने के लिए, ठीक है। अभी आपको ये लेना है, चार चार येलो सरकंटीना, चार चार गोली दिन भर में 3 बार फॉर 1 मंथ ली है तो नहीं 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 नहीं, नक्सभूमिका बंद कर दीजिए, नक्सभूमिका का काम हो गया। थर्ड आई जी बोल रहे हैं, एज 59, पेन इन लेग ड्यूरिंग द बेड टाइम, क्यूप्रमेट दीजिए, थर्ड आई जी क्यूप्रमेट इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार एंड मैकफॉस बायोकेमिक का 6x पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार फॉर 20 डेज। शुभांकर डे जी गुड इवनिंग, उमेश यादव जी बोल रहे हैं, फैन के नीचे जाने से दर्द बढ़ जाता है, कौन सी दवा दें? र्यूमैक्स क्रिस्पिस, उमेश यादव जी, ये जो हवा लगने पे जो दिक्कत होती है, द मेडिसिन इज द र्यूमैक्स क्रिस्पिस। देखिए काफी सारे लोग नए जुड़ गए हैं, प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो आप लाइक तो एक कर ही सकते हैं। अरे रघुनंदन किशोर सर जी वेलकम टू द स्ट्रीम, नमस्कार सर जी, केस ऑफ द 6-year-old बॉय, लेफ्ट साइड में नेक में सिस्ट है ऑन द वेन फ्रॉम द 1 year, आई हैड गिवन द लेपिस एल्बस एंड बैरेट, बिल्कुल करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है सर,
बिल्कुल करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है सर, यू आर अ वेरी रियली अ वेरी गुड डॉक्टर, और रघुनंदन किशोर सर जी आपका कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, आई रियली अप्रिशिएटेड। कपिल रथी जी बोल रहे हैं सर 50 इयर्स लेडी को बीपी के लिए बेस्ट, कोई बीपी के लिए आपको इलाज नहीं करने की जरूरत है, बीपी के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एलोपैथिक पे ही रखना है बीपी के लिए, बीपी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। आईबीडी के लिए कौन सा मेडिसिन में बेस्ट रिजल्ट देगा, इट इज़ नॉट सिमिलर टू द अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ डेफिनेटली द प्रिस्क्रिप्शन शिराज शेख सर जी, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रिस्क्रिप्शन मैंने बताया है उसके अंदर एलोस 30 और हमने एलो और पोडोफाइलम से अल्सरेटिव कोलाइटिस को अप्रोच करते हैं, जबकि हम आईबीडी इरिटेबल बॉवल डिजीज को हम जो है, या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज भी बोल सकते हो, वैसे इरिटेबल बॉवल डिजीज आईबीडी का ज़्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म है, उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम इन द 30 पोटेंसी एंड जेल्सीमियम इन द 30 पोटेंसी देते हैं, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। सर मेरी वाइफ को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, प्लीज सजेस्ट द मेडिसिन। चाइना एंड लाइकोपोडियम, शुभंकर दे जी, चाइना इन द लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक की बटन क्यों नहीं दबा पा रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लाइक करिए, सिर्फ 9 लाइक हुए हैं, 32 लोग देख रहे हैं, तो लाइक नहीं कर पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए तो अच्छा भी लगेगा। हाँ शुभंकर डे जी, द मेडिसिन इज चाइना इन द 30 पोटेंसी एंड लाइकोपोडियम इन द 30 पोटेंसी, है ना, चार चार गोली 3 बार फॉर 1 मंथ ओनली, 1 मंथ है ना, चार चार गोली 3 बार फॉर 1 मंथ के लिए दीजिए रिगार्डिंग द भूख, है ना, एपेटाइट के लिए। दयानंद यादव जी बोल रहे हैं सर आई में बहुत खुजली होती है, मेडिसिन प्लीज। आर्सेनिक एल्बम है ना दयानंद यादव सर जी, आर्सेनिक एल्बम इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, है ना। जो भी आ रहा है स्ट्रीम के ऊपर सवाल करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, जब आप इतना लंबा लंबा लाइनें टाइप करने की जहमत उठा सकते हो, ठीक है, तो आप एक लाइक भी कर सकते हो, हमारा एल्गोरिदम ना खराब करें प्लीज, विनती है सभी लोगों से। धन्नू बेलोडोना जी बोल रहे हैं सर दवा के साथ साथ डाइल्यूशन भी, अरे अब फिर दिमाग खराब कर रहे हैं धन्नू बेलोडोना जी, कौन सी दवा के साथ कौन सा डाइल्यूशन पीना है, जो आपकी मर्जी हो वो डाइल्यूशन पी जाइए पूरी की पूरी बॉटल, ये इरिटेट करने वाले सवाल नहीं करिए। मैंने जो आपने ऊपर कमेंट करा था, नाम याद है, कमेंट भूल गया हूँ, मैंने बाकायदा तो जवाब दे दिया है, डाइल्यूशन में नहीं बोलता पीने को, तुम लोगों की मर्जी है, बहुत बहुत इच्छा है डाइल्यूशन पीने की, 450 ml की शीशी लाओ और पी जाओ पूरी की, इरिटेट ना करिए, बैन दे दूंगा मैं तुरंत अभी 2 मिनट में। नितिन नरूला जी बोल रहे हैं सर अगर स्ट्रेस से ईडी हो तो कोई मेडिसिन बताएं, स्ट्रेस से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, देखिए उसका तो सीधा सीधा रिलेशन ही है उससे, स्टेफिसेग्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर, है ना, स्टेफिसेग्रिया इन द 200 पोटेंसी, ये स्ट्रेस की वजह से ईडी के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी, और एग्नस कस्टस, नितिन नरूला जी एग्नस कस्टस इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार दोनों से 1 महीने के लिए। रघुनंदन किशोर सर जी कलकेरिया कार थूजा ब्रोमियम हेमामलिस बट सिस्ट डज नॉट रिमूव प्लीज सजेस्ट द रेमेडी। सर जी जो भी है लंबा देना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसी सिस्ट वगैरह में बहुत लंबा समय लगता है, एंड फ्रॉम माय साइड आई एम सजेस्टिंग अ मेडिसिन कैल्केरिया आयोड करके एक दवा है, कैल्केरिया आयोड, बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं, अगर हैनीमैन के शराब से बचना चाहते हो पहली बात, और दूसरी बात अगर चाहते हो कि तुम लोगों को बताई गई दवा काम करे तो प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम, उसके बाद ही सवाल करें। कैल्केरिया आयोड रघुनंदन किशोर सर जी, कैल्केरिया आयोड इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार, एक बार सब कुछ हटा के इसको ट्राई करिए। मानस कुमार जी बोल रहे हैं व्हाट शुड बी आवर लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेन वी गेट द चाइल्ड हैविंग द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बिल्कुल सिंपल है सर जी, चिकन पॉक्स के लिए हम देंगे वेरियोलिनम नोसोड, हम यूज करेंगे 200 पोटेंसी में ओडी सिंगल डोज 5 दिन के लिए, और प्लस कोलेटरली हम चालू करेंगे पल्सेटिला 200 एंड बेलाडोना 200, चार चार गोली दिन भर में 3 बार फॉर 15 डेज, द चिकन पॉक्स विल बी गॉन। माय फ्रेंड हैज, मेरे फ्रेंड को हैंड फिंगर्स पर बहुत ज्यादा वार्ट्स हैं, थूजा 200 और कोई मेडिसिन। हाँ डेफिनेटली सर जी सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआर इन द 200 पोटेंसी एज वेल, चार चार गोली 3 बार फॉर द लंबा, बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। सर ओल्ड एज 80 इयर्स कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बताइए। ओपीएम, ओपीएम इन द 200 पोटेंसी नितिन नरूला जी, एंड प्लम्बम मेटेलिकम इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दोनों से दिन भर में सिर्फ 2 बार दीजिए 1 मंथ के लिए, काफी रिलीव हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। सर ईटिंग सर सर अर्निंग इयर रिंग पहनने के बाद कान बार बार
पक जाता है। साइलिशिया दीजिए, साइलिशिया इन द 200 पोटेंसी सुनील यादव जी, चार चार गोली दो बार दिन भर में एक महीने के लिए, एक से डेढ़ महीने ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तब तक इयरिंग मत पहनाइए, और इयरिंग का जो छेद है वो पुर जाएगा तो बाद में वापस से ईयर प्लग से उसको छेद करवा दीजिएगा। नमस्कार सर जी, 55 फीमेल को क्रॉनिक फिस्टुला के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे संतोष यादव जी, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट चलेगा, साथ में नहीं कर सकते, या तो फिस्टुला का इलाज होगा या फिर जॉइंट की स्टिफनेस का इलाज होगा, ठीक है ना। श्री रामचंद्र मूर्ति जी बोल रहे हैं, वेरी वेरी नाइस एडवाइस सर फॉर मेनी ऑफ द पेशेंट एंड ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिशनर, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर जी, धन्य जी। सर एक 40 साल की लेडी है, उनकी गर्दन में हम्प हो गया है, मेडिसिन बताइए। हम्प का डायग्नोसिस तो बताइए क्या है, हम्प में क्या समझूँ उसको, कि क्या वो स्कॉइलोसिस है, क्या उसको हम्प के रूप में, क्या कोई वहाँ पे कोई मतलब लाइपोमा हो गया है, ऐसे थोड़ी दवा निकलती है सर जी। अ फीमेल हैविंग द सिम्टम एवरी टाइम आफ्टर द शी गेट द पेन इन द काफ मसल, रेमेडी प्लीज, क्यूप्रमेट दीजिए, क्यूप्रमेट इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली तीन बार फॉर 7 डेज, जो भी नए लोग आए हैं लाइक कर दीजिए प्लीज। दयानंद यादव जी बोल रहे हैं, सर 20 साल की लड़की के फेस में मोल्स हो गए, थूजा 200 एंड सीपीआर 200। दयानंद यादव जी चार चार गोली दिन भर में दो बार फॉर 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ बिना रुके। उमेश यादव जी बोल रहे हैं, कलर कोल्ड की वजह से कान बनना लगता है कौन सी, सर जी अच्छे से कमेंट करिए प्लीज। सर फीमेल है, हेड हैवीनेस स्टैंडिंग वाइल वर्टिगो, ठीक है, आईज हैविंग हैवीनेस, ऐसा लगता है। ब्राइनिया दीजिए आशीष सिंह जी, समझ गया मैं, ब्राइनिया इन द 30 पोटेंसी और सल्फर इन द 30 पोटेंसी, आशीष सिंह जी चार चार गोली तीन बार 1 मंथ के लिए बिना रुके। सर सुहेला का मेडिसिन ऐसे कोई समझ नहीं पा रहा हूँ, सेहुआ को पूछ रहे हैं क्या, आप थोड़ा सा कमेंट अच्छे से करिए। अ केस ऑफ द लेडिंग सफरिंग फ्रॉम द फेस बर्निंग गिवन द मैरिज आर इन इंडोनेशिया वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एपिस जरूर दीजिएगा सर, इसके बाद अगर रिजल्ट तो मिल जाना चाहिए 99%, और अगर नहीं मिलता है तो फेस के ऊपर जो बर्निंग है एपिस 30 बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। सोनिया जी पूछ रही सर, अगर नींद ना आने की परेशानी बहुत ज्यादा हो और बहुत परेशानी हो रही, थूजा बीडी ऑफिया फ्लोरा टीडीएस वैशिफ्लोरा एक साथ दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं मैम जी, देनी पड़ेगी। भवानी डे जी पूछ रही हैं, सर मेरे हस्बैंड का बैक नेक में एक हार्ड ट्यूमर है, मैडम जी डायग्नोस तो करवाइए आप, ऐसे कैसे दवा बता दें, वो ट्यूमर क्या है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं मेडिसिन बता पाऊंगा ना, समझिए मतलब यहाँ तो मतलब थोड़ा सा मेरे को डिटेल भी तो चाहिए। यदि 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 हाँ भैया प्रतीक भैया बोल रहे हैं, यदि लाइक नहीं किया तो हैनीमैन का श्राप से मेडिसिन काम नहीं करेगी, इसलिए सभी लाइक कर दीजिए, अब समझ लो भाई। एक बार ईच की मेडिसिन बताइए, थूजा इज द मेडिसिन फॉर द बार ईच, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में देना है, चार चार गोली तीन बार। कपिल यादव जी पूछ रहे हैं, सर मॉम को राइट साइड एब्डोमिनल अपर साइड में कुछ चलने का फीलिंग होता है 1 साल से, दवा बताइए, थूजा दीजिए, थूजा। और एक और दवा है लिख लीजिएगा कपिल यादव जी, क्रोकस सेटाइवस, थूजा 30 और क्रोकस सेटाइवस 30, चार चार गोली तीन बार 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद फीडबैक दीजिए। जिस सबके कमेंट के जवाब दे रहा हूँ, जिसको ज्यादा घई है और जो स्ट्रीम छोड़ के सवाल को करके चला गया तो बाद में रिपीट पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दादाजी के फेस में सूजन और खांसी, मेडिसिन प्लीज, अनिल प्रजापति जी पूछ रहे हैं, अनिल जी द मेडिसिन इज द एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी और आर्सेनिक एल्बम इन द 30 पोटेंसी, दोनों से चार चार गोली तीन बार और 20 दिन देकर के देखिए। रामप्रसाद जी पूछ रहा है, अर्टिकेरिया एग्रेवेट इन द कोल्ड एंड रिलीफ इन द हॉट एंड द फायर, मेडिसिन प्लीज, आर्सेनिक एल्बम का चित्रगत लक्षण यही है, उसका चित्रगत जो एग्रेवेशन है वो कोल्ड से है और एमुलरेशन हॉट से है, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी चार चार गोली तीन बार फॉर 15 डेज। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं, सर राइट लेग में एग्रेवेशन ऐसा लगता है, राइट लेग पेन नाइट एग्रेवेशन है, ऐसा लगता है कि नसों में खिंचाव हो रहा हो, लाइकोपोडियम एंड ग्लेम्फाइलम, आशीष सिंह जी लाइकोपोडियम 30 एंड ग्नेफेलियम ग्नेफेलियम 30 चार चार गोली तीन बार फॉर 1 मंथ। सर जी गुड इवनिंग, जमालुद्दीन शेख जी बोल रहे हैं,
6 year female. सर जी पूरा कमेंट नहीं करा आपने. मुकेश सक्सेना सर जी बोल रहे हैं, मेन एज्ड 65 हैज द इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन, हैज टू पुट द प्रेशर टू द यूरिनेट, नो एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, क्रिएटिन नॉर्मल. सॉलिडागो सर जी, सॉलिडागो इन द 30 पोटेंसी. मुकेश जी सॉलिडागो 30 पोटेंसी चार चार गोली तीन बार, एंड थूजा इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली तीन बार 1 month के लिए. क्या ऑस्टियोआर्थराइटिक नेम की, हाँ 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 हाँ, ओ ए एन नाम से एक नोसोइड नोसोड आता है सर जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड. और पर मेरे को बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, मेरे पास इन्वेंट्री में भी हुआ करता था एक जमाने में, और फिर वो पड़ा पड़ा उड़ गया पूरा का पूरा. तो यस सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज अ नोसोड विच इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड. बिल्कुल सही. इंद्रदेव पांडे जी बोल रहे हैं, कफ जनरली टेंडेंसी ड्यूरिंग स्लीप, कब ड्यूरिंग स्लीप की जो टेंडेंसी है, द मेडिसिन इज द हायोसाइमस नाइगर 30 पोटेंसी चार चार गोली दिन भर में तीन बार एटलीस्ट 15 डेज. सर खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, बेराइटा कार्ब है ना, और बैप्टिशिया. सुनील यादव जी, बैप्टिशिया इन द 30 पोटेंसी एंड बेराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी फॉर द खाना निगलने की प्रॉब्लम. 30 पोटेंसी में चार चार गोली तीन बार, मेरे ख्याल में 20 दिन लीजिए. मोहम्मद सुलेमान जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, 5 साल की लड़की है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, सिर के बाल में पैचेस में उड़ गए हैं. ठीक है, काम करिए एसिड फ्लोर. सो मोहम्मद सुलेमान जी, एसिड फ्लोर या फ्लोरिक एसिड इन द 30 पोटेंसी एंड बेराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली तीन बार मिनिमम 1 महीने के लिए. सर स्ट्रेस से ईडी के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं, मे भी सर जी, मे भी, पर ऐसा स्ट्रेस तो है नहीं उसके अंदर. मेरी कजिन को टाइप 1 डायबिटीज है, क्या कभी कभी खाना खाते वक्त हैंड स्टिफ हो जाता है? सर जी बहुत हो रहा है सिराज शेख सर जी पिछले दिनों. क्रेटेगस दीजिए 30 पोटेंसी. सिराज जी एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर की बच्ची है कोई दिक्कत नहीं है, फायदा हुआ तो उसका उसका लाइफ बदल जाएगा, नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान तो नहीं करेगी. क्रेटेगस 30 चार चार गोली दिन भर में 2 बार 1 महीने तक. ठीक है, मानस कुमार जी बोल रहे हैं, अ गर्ल 13 हैव द एज कम टू मी 13 एज कम टू मी विद द क्रेक इन द सोल like dry eczema along with the stretch mark in the belly, how can resolve homeopathically? मानस कुमार जी एक काम करिए, उसको दीजिए सबसे पहले तो हिपरसल्फ इन द 30 पोटेंसी और दूसरी मेडिसिन सीपीआई इन द 30 पोटेंसी. हिपरसल्फ और सीपीआई 1 महीने लगातार चलने दीजिए. ठीक है, मैं पहले अपने थोड़ा सपोर्टर्स के कमेंट ले लूँ, है ना. अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कमेंट पहले लिया जाए तो प्लीज़ सपोर्टर बैच एक ले लीजिए, क्योंकि अब भविष्य में पक्का ये होने वाला है कि कमेंट छूटेंगे बहुत सारे, क्योंकि इतना सारा आदमी आता है, मैं किस किस का कैसे कैसे लूंगा कमेंट. सर जी, अ केस ऑफ द टंग ट्विस्टर ऑफ 9 month बेबी, पेरेंट थिंकिंग दैट ड्यू टू द स्पीकिंग कैन बी डिफिकल्ट, आई गेव द मार्क्स. हाँ हाँ हाँ, स्ट्रामोनियम है सर जी. रघुनंदन किशोर सर जी, स्ट्रामोनियम इन द 30 पोटेंसी, देखिएगा आप, है ना, स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी चार चार गोली 2 से 3 बार एटलीस्ट 15 से 20 दिन या 1 महीने भी दे सकते हैं. क्रॉनिक लीवर डिजीज की वजह से फिट और एब्डोमेन में स्वेलिंग हुआ है एक पेशेंट को, इज नॉट द सेम एज द सिरोसिस ऑफ द लीवर. नहीं नहीं, वो साइन एंड सिम्टम सारे सिरोसिस के हैं, और जो मेडिसिन होंगी सर जी वो भी सिरोसिस की अप्लाइड होंगी. इनिशियली वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद द आर्सेनिक एल्बम एंड एपिस होगी इसके अंदर फॉस्फोरस लगेगी, हमको लाइकोपोडियम भी लगेगी, फिर पूरा ग्रुप ऑफ द मेडिसिन इसके अंदर अप्लाइड है ना. लेफ्ट साइड हेडेक है, मूवमेंट में एग्रेवेशन है, थ्रस्टलेस है. सर थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करिए, इससे कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है. ठीक है, मेरे के पास देखिए हर कमेंट का जवाब देने के लिए समय है अब कम, तो कमेंट आपको इतना ऐसा करना है कि मैं उस पर कुछ ना कुछ उससे आउटकम ले पाऊँ. सर 6 year फीमेल राइट ब्रेस्ट में नोड्यूल विद फर्म कंसिस्टेंसी का सिंस लास्ट 2 month फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड ऑरेंज. जमालुद्दीन शेख जी, द मेडिसिन इज द पोनियम इन द 30 पोटेंसी, कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी लगातार 2 महीने के लिए, 2 महीने में देयर विल बी द ड्रास्टिक चेंज. सर आवाज बैठ गई है, मेडिसिन प्लीज. दयानंद यादव जी, कॉस्टिकम इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली दिन भर में 3 बार. कपिल रथी जी बोल रहे हैं, सर हेड के राइट साइड में मैं खिंचाव रहता है, पेन कभी कभी होता है, माइंड हैंग रहता है पूरे दिन, शाम को रिलीफ मिलता है. सिमिसी फ्यूगर एसिमोसा, कपिल रती जी, सिमिसी फ्यूगर एसिमोसा इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली 3 बार 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद बताइए.
57 फीमेल, एसिडिटी, गैस, हेडेक आफ्टर ईटिंग, एसिडिटी, हेडेक एंड गैस आफ्टर ईटिंग, लॉस ऑफ द इयरिंग, लेजीनेस, लोनर्जी, द मेडिसिन इज द पल्सेटिलिन, द 200 पोटेंसी चार्चर गोली, दिन भर में 3 बार एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। सर मेरा एक दोस्त के साथ 2 साल पहले फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, बट आज भी वो उसे थॉट ठीक है रेवेंज लेने का सोचता है जो कि पॉसिबल नहीं है, बस याद करते करके रोता है। नेट्रम्यूर दीजिए, नेट्रम्यूर इन द 30 पोटेंसी एंड थूजा इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। सरोज यादव जी पूछ रहे हैं सर 10 साल के बच्चे को आवाज में लड़खड़ाता है, स्ट्रामोनियम, ऊपर भी एक कमेंट था मैंने उसका सर के जवाब, शायद रघुनंदन सर के कमेंट का जवाब दिया था, स्ट्रामोनियम इन द 30 पोटेंसी। छोटे बच्चों को बोलने में जो तकलीफ रहती है, कई बार स्टैमरिंग होती है, कई बार स्टटरिंग होती है, ठीक है, प्रॉपरली वो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, द मेडिसिन इज द स्ट्रामोनियम इन द 30 पोटेंसी। कुलदीप यादव जी बोल रहे हैं एज 33 डाई इन्फेक्शन के, डाई इन्फेक्शन से बाल पक गए 20% ज़्यादा 20%, क्या बाल दोबारा वापस से काले? बिल्कुल नहीं हो सकते, एक बार बाल में डाई लगा ली, अब जिंदगी भर डाई ही लगाना पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। सर्द नींद नहीं होता ठीक से रात में, थूजा दीजिए भवानी डे जी, थूजा 200 पोटेंसी चार चार गोली 3 बार फॉर 1 मंथ मिनिमम। प्रणाम सर जी, मेडिकेटेड पिल्स कितने दिनों तक यूजेबल रहते हैं? 20 साल तक, बस खुशबू और लाइट से बचा के रखिए, सूरज की डायरेक्ट रोशनी के सामने नहीं रखना है और खुशबू के बीच में नहीं रखना है, फ्रेग्रेंस के बीच में। अगर ये दो चीज कर पाएंगे तो हेमंत सिंह जी उसकी वैलिडिटी 20 साल से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 20 इयर्स, नॉट ओनली 20 इयर्स। सर 10 साल के बच्चे को आवाज में स्टैमरिंग है, सरोज यादव जी मैंने आपको कमेंट का जवाब ऊपर भी दिया था, शायद किसी को, आपको भी दिया दे रहा हूँ, स्ट्रामोनियम इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली 3 बार। कोई हादसे वाली बात सोचने के बाद एंग्जाइटी होती है इजीली, एंगर मेमोरी, थूजा इन द 200 पोटेंसी चार चार गोली 2 बार एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। मानस कुमार जी पूछ रहे हैं सर जी इज देयर एनी रेमेडी इन द होम्योपैथी विच कैन क्योर? कोई एक मेडिसिन नहीं है सर जी, ये डिपेंड करता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर, पेशेंट के ऊपर और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर। आप जितने प्रॉपरली इसका अप्रोच करोगे तो होना ही है, वो तो सही है, कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सही होता है, बस टाइम लगता है। अगर क्रॉनिक एक्जिमा है 10 से 20 साल पुराना तो एटलीस्ट आप लेके चलो कि 1.5 से 2 साल में सही होगा, होता सब सही है। एक्चुअली आप लोग जो होराइजन, टाइम होराइजन आप कम करके देखते हो बीमारी का, आपको क्या लगता है कि बस मैं 6 महीने में सही कर दूंगा, वो सही होती नहीं, फिर आपके दिमाग में ये बात अटक जाती है कि ये सही ही नहीं होगा, जबकि वो 2 साल में सही हो जाता, उसी मेडिसिन के साथ पीले रहते अपन तो। सर 35 साल की महिला को ग्वाइटर है, स्पंजिया टोस्टा इन द 30 पोटेंसी एंड कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी, ठीक है, स्पंजिया एंड कल्केरिया कार्ब 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार और ये लगभग लगभग देना है 6 महीने मिनिमम। संतोष यादव जी मिनिमम 6 महीने, उससे कम में कुछ नहीं होगा। सस्ती अकाल सर जी, जितेन सहगल जी वेलकम टू द स्ट्रीम। हेमंत सिंह जी पूछ रहे हैं सर जी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन अनेबल टू कंट्रोल द यूरिन, बेड वेट 77 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो द मेडिसिन इज द थूजा इन द 200 पोटेंसी एंड चिमाफिला एम्बलेटा इन द 200 पोटेंसी, हेमंत सिंह जी चार चार गोली 3 बार फॉर 1 मंथ। क्या नक्स वोमिका के साथ थूजा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दी जा सकती है सर जी, वैसे जरूरत कम पड़ती है, अजीब सा कॉम्बिनेशन है थोड़ा। एज 30 ईयर बाल पक गए 20% काले हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, कोई बाल काला नहीं होगा डाई के बाद। सर ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी चार चार गोली दिन भर में 3 बार 1 महीने तक, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज, कजन को क्रेटेगस 30 और एसिड फॉर 200 दे रहा हूँ, शी फेल वेरी गुड एनर्जेटिक एंड हर शुगर लेवल इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। अरे सर जी बधाई हो सर, थोड़ा सा रिसर्च में मेरा साथ दे दो, है ना, इस बच्ची को लगातार आप मेडिसिन दीजिए शिराज शेख सर जी, इट विल हेल्प मी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि तो मेरे पास भी अभी कुछ बच्चे आए हैं इसके, अभी मैं भी यही प्रिस्क्रिप्शन के साथ लगा हुआ हूँ और अभी फीडबैक मिला नहीं है एक्चुअली मेरे को। सर एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द गोदरेज डाई की मेडिसिन, देखिए वो मेडिसिन है राम प्रसाद जी आर्सेनिक एल्बम 30, चार चार गोली दिन भर में 3 बार फॉर 20 डेज और उसके बाद डाई को बंद कर दीजिएगा प्लीज। अजीत सिंह जी बोल रहे हैं एज 53 कोलेसिस्टाइटिस विद कोलेलिथियासिस फ्लूइड इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस,
राइट लॉब ऑफ द लीवर, ना 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 छोड़ दीजिए आशीष सिंह जी, केस छोड़ दीजिए, कठिन है केस छोड़ दीजिए, टू बी वेरी फ्रेंक है ना, कोलेसिस्टाइटिस भी है, कोलेलिथियासिस भी है, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत यह है कि देयर इज फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमेन और पेल्विस के अंदर पानी भरा हुआ है, दैट आर दीज आर नॉट द गुड साइंस सर, है ना, तो इसको लेट देम रिफर टू द एलोपैथिक इमरजेंसी। सर मेरा बिल्कुल भी भूख, सर मेरा बिल्कुल भी भूख नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं होता है, क्या मैं चेलिडोनियम क्यू, बिल्कुल 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 शुभांकर डे जी, बिल्कुल आप लीजिए, इट विल वर्क, ओके। लेफ्ट लेग में पेन है ड्यू टू द स्प्रेन्ड, पेन एग्रेवेट लॉन्ग आफ्टर द वॉकिंग, इंद्रदेव पांडे जी आर्निका लीजिए 200 पोटेंसी एंड रूटा ग्रेव्यूलेंस इन द 200 पोटेंसी, 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, ठीक है। वकार खान जी बोल रहे हैं, हेलो हेलो सर, गैस रहता है, पासेस थ्रू द एनएस, यूज्ड लाइकोपोडियम, जब यूज करो तो ओके होता है, सर कंटिन्यू करिए सर, अगर एनएस से गैस पास हो रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने आपको एक बार और वकार खान जी ये चीज बताई थी, प्रॉब्लम ये नहीं है गैस पास हो रहा है, प्रॉब्लम उस दिन होगी जिस दिन गैस पास होना बंद हो जाएगी, समझिए सर जी। 40 साल की महिला को एक एक जिला की कौन सी, उमेश यादव जी कमेंट तो थोड़ा ढंग से कर दीजिए कम से कम, कि मैं पढ़ पाऊं और बोल पाऊं। सर क्या क्या क्रॉनिक लीवर डिजीज क्योर हो सकता है डॉक्टर एडवाइज, ना ना बिल्कुल क्योर हो सकता है सर जी, पर अब मेरे को एक्चुअली स्टेट्स नहीं पता कि व्हाट इज द एग्जैक्टली कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि देखिए एक बात तो शिराज शेख सर जी बिल्कुल तय है कि अगर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट बोला है तो स्थिति डेफिनेटली स्थिति गंभीर है, ठीक है। और एक और चीज है कि लीवर ऐसे खड़े पे तो मिल नहीं रहा है हमको, कि कोई खड़ा होकर लेके कोई दुकान में मिल रहा हो लीवर, तो अपन को तब तक वी कैन ट्राई विद द होम्योपैथी, और अगर तब तक हम लोग नहीं कर पाते तो फिर ट्रांसप्लांट तो है ही, जब डोनर मिल जाएगा तो ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चलेगा नहीं अपने इलाज से भी, क्योंकि कंडीशन डिटोरिएट हो गई है तभी ट्रांसप्लांट तक की बात आ गई है, मतलब सोचिए कहाँ तक चली गई है बात। सर अराउंड अ ईयर आई हैव पीओपीडी एंड द म्यूकस इन द चेस्ट, एनी सॉल्यूशन, शिव शंकर शर्मा जी, हाँ बिल्कुल है सर जी, आप एक काम करिए, ईपीकॉक 30 पोटेंसी और एंटीमटाट 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार 1 महीने तक खाइए, और 1 महीने के बाद मुझे बताइए, ठीक है ना। एहसान खान जी बोल रहे हैं, सर क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में हमेशा जकड़न रहती है, बिल्कुल सही हो जाएगी एहसान खान जी, सिकुटा नाम की एक मेडिसिन है, सिकुटा वेरोसा इन द 30 पोटेंसी लीजिए, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। आईपीजी वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। दयानंद जी बोल रहे हैं, सर फेस पे पीकल्स हो गए हैं, मेडिसिन एंटीन क्रूड इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार फॉर 7 डेज या 15 डेज या 1 मंथ, डिपेंड करता है कब से है ये पीकल्स, ठीक है। मानस कुमार जी, वो सर लीडिंग रेमेडी फॉर द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इन द, देखिए आइदर इन द समर सीजन और इन द विंटर सीजन, एक ही सबसे बड़ी मेडिसिन है जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पे हमेशा से रूल करती आई है, वो है कॉस्टिकम इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 7 डेज, ये कोई भी सीजन पे हो ये काम करेगी। सर एज 33 डाई इन्फेक्शन से, कुलदीप यादव जी इसके बाद आप कमेंट नहीं करेंगे नहीं तो मैं बैन दे दूंगा, कोई बाल काले नहीं होंगे, ठीक है, कोई बाल काले नहीं होंगे, डाई से जो बाल सफेद हुए हैं सारे के सारे आगे भी सफेद होने वाले हैं। मुकेश सक्सेना सर जी बोल रहे हैं, लेजी एज 50 ओकेजनली ड्राई कफ विदाउट द सिम्टम, ओकेजनली ड्राई कफ है विदाउट द सिम्टम, नो एक्सपेक्टोरेशन नॉर एनी वीजिंग इन द चेस्ट इन द थ्रॉट, ट्रस्ट फॉर द वेरी लिटिल वॉटर इन द लॉन्ग इंटरवल, ठीक है, नो रिलीफ फ्रॉम द आर्सेनिक एंड बेलाडोना, र्यूमेक्स दीजिए सर, र्यूमेक्स एंड एक और मेडिसिन बता रहा हूँ, सबाडीला दीजिए, र्यूमेक्स एंड सबाडीला दीजिए, चार चार गोली दिन भर में 3 बार जस्ट फॉर द 7 डेज, अगली स्ट्रीम पे बताइए। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं, इंटरवल डिस्क स्पेस के बीच में सीवाई डिस्क स्पेस बिटवीन सीवाई इज माइल्डली रिड्यूस्ड, व्हाट आर द सिम्टम्स आशीष सिंह जी, इस पे तो दवा नहीं मिल पाएगी। और जो लोग भी स्ट्रीम पे नए आए हैं प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मैटर करता है एल्गोरिदम के लिए, आप लोग समझें इस बात को और जिम्मेदार यूट्यूब वॉचर बनिए, ठीक है। विनोद कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, सर सर समीक्षा कुमारी एज 14 ईयर 6 मंथ से बाल झड़ रहा है, एसिड फॉस दीजिए, विनोद कुमार जी एसिड फॉस इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार फॉर 1 महीने देकर देखिए, फिर मेरे को बताइए। इंटरवर्टिकल डिस्क माइल्डली रिड्यूस,
मेरे को सिम्टम चाहिए, ये सब नहीं चाहिए आशीष सिंह जी, है ना। लक्षण क्या है पेशेंट के अंदर, आप लक्षण बताइए। लेफ्ट साइड लेग में नी से घुटने तक झंझनाहट और दर्द रहता है। रस्टॉक्स लीजिए कृष्ण भारद्वाज जी, रस्टॉक्स इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली सिर्फ दो बार, चार गोली का एक डोज सवेरे, चार गोली का एक डोज रात में, एक महीने तक, एक महीने में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो जाता है तो स्ट्रीम के ऊपर आइए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर एक 40 साल 40 ईयर्स की लेडी को गले में दोनों साइड बॉल लाइक स्वेलिंग है। विकास कुमार जी वेलकम टू द सिल्वर मेंबरशिप ऑफ द चैनल। विकास कुमार जी वेलकम 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 टू द फैमिली ऑफ दिस चैनल। बॉल लाइक स्वेलिंग है, ठीक है, दोनों साइड में बॉल लाइक स्वेलिंग है तो उसके लिए द मेडिसिन इज द बेराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में तीन बार फॉर वन मंथ। फारूक एसके जी बोल रहे हैं, पखरू एसके जी बोल रहे हैं, सर माइंड में वीकनेस है और कंफ्यूजन रहता है, खाना हजम नहीं। थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करिए प्लीज, कुछ निष्कर्ष तो निकले आप लोगों की कमेंट, आज क्या हो गया सबके सबको। सर आपकी मेडिसिन से मेरा एक स्टोन निकल गया है। थैंक यू सर जी, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप और वही मेडिसिन कंटिन्यू करें बाकी भी निकल जाएंगे। सॉरी टू रिपीट माय नीस, अरे सर आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ सर जी, कैसा शर्मिंदा मत करिए शिराज शेख सर जी। माय नीस, मेरे नीस को ओवेरियन सिस्ट और 3 मंथ से मेंसेस नहीं हुआ है। एस टोल्ड पल्सेटिला एपिस के साथ सल्फर 30 ओडी मॉर्निंग थूजा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी बिल्कुल हो जाएगा, ओवेरियन पीसीओडी का प्रॉब्लम है ना सर जी, इसलिए मेंसेज स्किप हो गया। और सभी लोग भाई वेलकम कर रहे हैं हमारे विकास कुमार जी का, जिन्होंने अभी सपोर्टर बैच लिया है सिल्वर मेंबरशिप का। सर जी वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट। मानस कुमार जी बोल रहे हैं 20 ईयर ओल्ड गर्ल कंप्लेनिंग इचिंग इन द आई, ठीक है, रेमेडी इचिंग इन द आई के लिए सबसे बेस्ट सर जी आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार 7 से 15 दिन के लिए। सर बॉडी में ट्रेम्बलिंग रहता है पर भार सा महसूस होता है। दयानंद यादव जी कमेंट अच्छे से करिए, एंग्जाइटी में भी पहले से रिलीफ है, अब मूड सही रहता है। अरे क्या बात है जैतिन सहगल जी, बिल्कुल सर जी बहुत अच्छी बात है। क्रॉनिक लीवर डिजीज पेशेंट इज अ नॉन अल्कोहलिक इन द नाइट इन इट इट माइट बी ड्यू टू द जॉइंटिस, आई हैव ऑलरेडी गिवन द ठीक वेरी वेरी सर लगे रहिए जब तक। देखिए शिराज शेख सर जी देखिए बात सुनिए, एलोपैथी में देर इज नो सच मेडिकेशन जो इस स्थिति को वापस से रिवर्ट बैक कर दे, ठीक है ना। और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है उस दिन तक हमारे पास बहुत बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा भारद्वाज जी, विकास कुमार जी बोल रहे हैं सर एज 30 ल्यूकोरिया की दवा, वाटरी डिस्चार्ज समटाइम यूरिन भी पास आउट हो जाता है। बिल्कुल विकास कुमार जी द मेडिसिन लिख लीजिएगा कहीं, एल्यूमिना इन द 30 पोटेंसी एंड बोरेक्स इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 1 मंथ तक बिना रुके। इत्मीनान से पेशेंट को बोल दीजिए 1 मंथ खाते रहे और आपको रिजल्ट बताए। प्लस अगर पेशेंट रूरल एरिया से बिलोंग करता है, शहरी एरिया से नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वजाइनल हाइजीन मेंटेन करने को सर कहिएगा, ये बहुत बड़ा कारण है गाँव के क्षेत्र में ल्यूकोरिया का। क्योंकि जब हम गाँव में प्रैक्टिस करते थे रूरल एरिया में भर भर के ल्यूकोरिया के केस आते थे, और जब हम शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साल में एक भी केस ल्यूकोरिया का हम नहीं देखते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हाइजीन का। लीवर सिरोसिस 3rd स्टेज का क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से रिकवरी हो सकती है? हो सकती है सर, पर बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर चाहिए कृष्णा जी, कृष्ण भारद्वाज जी, और बहुत मेहनत लगेगी तब जाके हो पाएगा। 60 साल के व्यक्ति को राइट साइड में पैरालिसिस के साथ माउथ से सलाइवेशन, कॉस्टिकम दे के देख लीजिए सर जी। वैसे पैरालिसिस पे अभी काम मेरा चल रहा है, 2-3-4-5 केस में अभी कर रहा हूँ काम, अच्छा रिजल्ट तो मिला नहीं है। सरोज यादव जी पूछ रही है सर हर्सुटिज्म की मेडिसिन बताएं। हर्सुटिज्म की बहुत कमाल की मेडिसिन बता रहा हूँ, और बिल्कुल ताजी ताजी रिसर्च का ये नतीजा है। और उस मेडिसिन का नाम है विस्बिडान, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, सभी लोग लिख लीजिएगा, विस्बिडान करके मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में देना है, चार चार गोली 3 बार 1 मंथ के लिए। शुभांकर डे जी बोल रहे हैं सर आपका लाइव स्ट्रीमिंग देखना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी।
सर हाथ पैर के तलवों में जलन रहता है, धन्नू बेलाडोना जी उसके लिए जो मेडिसिन है दैट इज द सल्फर इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, ठीक है। आसिफ खान जी बोल रहे हैं सर पैरों की पिंडलियों में सिर्फ आराम करते समय बहुत दर्द होता है। आसिफ खान जी क्यूप्रम मेट लीजिए, है ना, क्यूप्रम मेट इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। जिन लोगों ने भी स्ट्रीम को नया ज्वाइन करा है और अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए और स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए स्ट्रीम को चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ठीक है। मैं गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर जी। सुनील यादव जी बोल रहे हैं सर एक्सरे में नी ज्वाइंट में बोनी ग्रोथ हो गया है, कल्केरिया फ्लोर। सुनील यादव जी कल्केरिया फ्लोर 6x बायोकेमिक फॉर्म में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, एंड कल्केरिया कार्बिन द 30 पोटेंसी होम्योपैथिक फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 1 मंथ के लिए। वेलकम वेलकम जी विकास कुमार जी, अरे भाई प्रतीक जी विकास कुमार जी का सपोर्टर ग्रुप के अंदर स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। आसिफ खान जी बोल रहे हैं सर पैरों की पिंडलियों में असहनीय दर्द आराम करते। आसिफ खान जी मैंने ऊपर ही जवाब दे दिया है इसका, क्यूप्रामेट मेडिसिन बता चुका हूँ, प्लीज इरिटेट ना करिए। एक बार कमेंट करने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट का वेट कर लेंगे ना, इतना तेजी से मैं निपटा रहा हूँ, एक भी कमेंट नहीं छोड़ूंगा। क्यूप्रामेट 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार 15 दिन के लिए, ठीक है। कृष्ण भारत जी स्पर्म काउंट 0 है इसके लिए कोई दवा होगी सर? सर लाइकोपोडियम कहते हैं सर, अब मैं काम तो कर रहा हूँ सर, पर वो बहुत अलग चीजें हैं जिसपे इसका रिजल्ट आता है। मतलब एक लाइकोपोडियम हमारी जानकारी में है 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार, 1 महीने आप दे करके देख लीजिए और 1 महीने बाद बंदे के स्पर्म काउंट करा करके मुझे बताइए। और मीन वाइल मेरे को कुछ हाथ लगता है तो कभी अपने अगली स्ट्रीम में आप याद दिला दीजिएगा, मैं ढूंढ ढांड के कुछ रखूंगा आपको बताऊंगा। नेमत नेमत जी बोल रहे हैं कि सर एज 28 ख्वाब में फीमेल घोस्ट दिखती है। अरे सर जी रात का टाइम में मत डराइए, क्यों डरा रहे हैं साहब? डर लगता है, मैं डरपोक आदमी हूँ, बहुत भूत भूत से मेरे को बहुत डर लगता है। लेकेसिस है मेडिसिन, जोक्स अपार्ट, है ना नेमत जी, लेकेसिस इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में सिर्फ 2 बार 15 दिन के लिए, ठीक है। ये जो नाइट मेयर्स होते हैं ना ये बेसिकली सब लेकेसिस के काम रहते हैं। अरे सुबोध जी क्या बात है, लेट हो गए, वेलकम टू द स्ट्रीम। बेड सॉफ्ट गेमर जी पूछ रहे हैं सर पेशेंट इज गेटिंग सडन कुराइजा इन द मॉर्निंग एंड स्टॉप्ड इन द इवनिंग, ठीक है, आफ्टर द फील ऑफ द सफोकेशन रिलैप्स। अमोनियम कार्ब, बेड सॉफ्ट गेमर जी अमोनियम कार्ब की जो मेडिसिन है अमोनियम कार्बोनिका, विलियम बोरिक खोल लो और उसको एक बार पढ़ डालो। ये आपने जितना भी एक शुरू से सर से लेके उसके एंड तक जितना आपका कमेंट है ना, ये पूरी लाइन है अमोनियम कार्ब में लिखी है। ल्यूकोप्लेकिया के लिए मेडिसिन बताइए, ल्यूकोप्लेकिया के लिए मेडिसिन इज द मर्कसोल, मर्कसोल इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में 3 बार 1 महीने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन, ठीक है, मर्कसोल इन द 30 पोटेंसी, ठीक है। उमेश यादव जी, नितिन नरूला जी बोल रहे हैं इंसोमनिया के लिए अगर कैलिफोस इज बेटर, और दोनों सर, दोनों जरूरत होती है सर। सर इंसोमनिया वाले सोते नहीं है सर, बड़ी मुश्किल से सुलाना पड़ता है सर। मैं आपको पूरा ग्रुप ऑफ द मेडिसिन बता दे रहा हूँ, दो तो आपने बता दी, कैलिफॉस है, पेसिफ्लोरा है, हमारे पास थूजा है, हमारे पास कॉफी एक्रूडा है, हमारे पास हायोसाइमस नाइगर है और हमारे पास एक बेलाडोना भी है। तो हमारे पास ये 6 मुख्य मूलभूत रूप से जो इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, ये 6 मेडिसिन हम इंसोमनिया के ऊपर फ्रिक्वेंटली हमको अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिपेंडिंग अपॉन द केस यूज करना पड़ती है, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ, पेसिफ्लोरा, कैलिफॉस, थूजा, बेलाडोना, हायोसाइमस एंड कॉफी अक्रूडा, ये 6 मेडिसिन है। यू एक्सप्लेन वेरी गुड, थैंक यू जी। विनोद कुमार पांडे जी पूछ रहे हैं सर सीमा देवी एज 46 2 ईयर से माइग्रेन है और बाल भी झड़ रहे हैं। जी विनोद कुमार जी, सेंग्विनेरिया कैनेडेंसिस इन द 30 पोटेंसी एक मेडिसिन है जिसका नाम है सेंग्विनेरिया कैनेडेंसिस इन द 30 पोटेंसी, एंड द सेकेंड मेडिसिन विल बी आयरिस वर्सिकुलर, याद रखिएगा नाम, लिख लीजिए कहीं, सेंग्विनेरिया कैन 30 आयरिस वर्सिकुलस इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली 3 बार 1 महीने तक, 1 महीने में बहुत ह्यूज डिफरेंस आएगा। पिंकी दास जी पूछ रहे हैं सर मेरे अपर बैक में टीनिया इन्फेक्शन हो गया है 1 साल से एज 24, प्लीज हेल्प मी।
बिल्कुल पिंकी जी, द मेडिसिन इज द नेट्रम्यूर इन द 30 पोटेंसी एंड सीपीआई इन द 30 पोटेंसी, दोनों से चार चार गोली तीन बार एक महीने तक बिल्कुल ऐसे खाइएगा कि कोई इलाज नहीं चल रहा, बिल्कुल बिना बेचैनी के, ठीक है। एपिस्टेक्सिस की मेडिसिन प्लीज, सुनील यादव जी, मिलीफोलियम करके एक मेडिसिन है, मिलीफोलियम ट्राइफोलिएटा, ठीक है, मिलीफोलियम इन द 30 पोटेंसी एंड चाइना इन द 30 पोटेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें देख लूं, दो मिनट लगेगा। अच्छा एक चीज बताइए, बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है ना, सब कुछ ठीक है। और बहुत सारे लोग देखिए नए जुड़ गए हैं, प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। और एक और चीज, अगले महीने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे हैं, ठीक है, तो उन वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इस महीने के तो वीडियो डल गए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जून के महीने की, ठीक है। जून के महीने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इंपॉर्टेंट बीमारियों के ऊपर वीडियो मैं बनाया हूँ, और आप सब लोग प्लीज उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सर जी, आप इरिवर्सिबल पैथोलॉजी केस आप कैसे हैंडल करते हैं? इरिवर्सिबल पैथोलॉजी को बेसिकली बॉडी बायपास कर देती है प्रतीक, ये बहुत अच्छा सवाल करा तुमने, जैसे कि एक बहुत कॉमनली सवाल करा जाता है हमसे, हमारे पास जब ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस आते हैं, उनकी एमआरआई नोनो लाइन की एमआरआई की रिपोर्ट होती है कि L4 L5 के बीच में डिस्क हार्निएशन भी हो गया, डिस्क बल्ज भी हो गया है, और नर्व रूट कैनल नर्व की कैनाल का स्टेनोसिस भी हो गया। तो पेशेंट हमसे ये सवाल करता है कि सर ये जो पैथोलॉजी है क्या करोगे आप इसका, क्या आपकी दवा से ये सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी? नहीं होंगी, ये सब इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी कभी वापस से रिवर्ट बैक नहीं होगी। तो फिर क्या करता है शरीर? तो ये प्रतीक आज समझ लो तुम प्रैक्टिस में आने के पहले, अभी स्टूडेंट हो BHMS इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, हमारी बॉडी होम्योपैथिक मेडिसिन के सहारे से ऐसी पैथोलॉजी को बायपास कर देती है, और ये जब बायपास हो जाएगा तो वो पैथोलॉजी अपनी जगह रहेगी, पर बॉडी अपनी इकोनॉमी से वो पैथोलॉजी को अलग करके सिम्टम्स को नलीफाई कर देगी, जीरो कर देगी, पेशेंट बिल्कुल बिना कोई दर्द के जिंदगी भर जिएगा। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी बार इसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट कराई जाएगी जिंदगी में, जितनी बार इसकी MRI कराई जाएगी, उस MRI के अंदर वो नर्व कंप्रेशन दिखेगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी को बॉडी, हमारा शरीर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के सहारे इस तरह से डील करता है, ठीक है। 40 साल के व्यक्ति को ऑन्कोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस, अरे सुबोध जी थोड़ी हिंदी कमजोर है भैया, कैसा लिखे हुए भाई, इतना सर दुख गया मेरा दो शब्द पढ़ने में। 40 साल के व्यक्ति को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस हुआ है, पीठ में बहुत दर्द होता है। हाँ बिल्कुल सुबोध जी, द मेडिसिन इज Bacillus 7, पहली मेडिसिन Bacillus 7, 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में तीन बार। दूसरी जो मेडिसिन है दैट इज द थूजा इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, ये दोनों मेडिसिन एक महीने दीजिए इसको, ठीक है। दयानंद सर पूछ रहे हैं सर, लिप्स के दोनों कॉर्नर पे ये जो क्रैक हो जाते हैं उसकी मेडिसिन बता रहा हूँ, एक तो है एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी, ये जो फट जाते हैं, ठीक है, एंटीम क्रूड इन द 30 पोटेंसी, और कंडूरेंगो मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन भर में तीन बार, 7 दिन के लिए वो काम सही हो जाएगा। आप एक ग्रेट डॉक्टर हो, थैंक यू पिंकी जी। प्रतीक जी पूछ रहे हैं सर जी, अरे जवाब तो दे दिया, आप क्या प्राण ले लोगे मेरे, दे तो दिया जवाब इतना लंबा सा। प्रतीक भैया दे दिया हूँ जवाब, थोड़ा सा स्ट्रीम को हल्का सा रिवाइंड कर लेना, बहुत लंबा जवाब तो वापस ना दे पाऊंगा भाई। चिराज शेख सर जी बोल रहे हैं एजोस्पर्मिया ड्यू टू हाइड्रोसिल, तो पहले हाइड्रोसिल को, हाँ बिल्कुल सर, हाइड्रोसिल के रहते तो स्पर्म बनना ही नहीं है सर, वो हाइड्रोसिल के रहते नहीं बनेगा, तो हाइड्रोसिल पहले सही करेंगे, देन आफ्टर वी विल। और हाइड्रोसिल देखिए एक होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है जो हैनीमैन ने दिया था, सिसेट इफेक्ट है सिसेट कॉजा, ये आपको याद आ रहा होगा ऑर्गेनन के लेक्चर का, सिसेट इफेक्ट है सिसेट कॉजा एंड वाइस वर्सा, सिसेट कॉजा सिसेट इफेक्ट है, या तो मैं कॉज को रिमूव कर दूं तो इफेक्ट अपने आप रिमूव हो जाएंगे, या फिर उल्टा भी होता है, अगर मैं इफेक्ट्स को रिमूव कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं दिस इंप्लाइज दैट कि इनडायरेक्टली वी आर वर्किंग ऑन द कॉज, तो हाइड्रोसिल आप ठीक कर देंगे अपने आप स्पर्म बनने लगेंगे। 2 साल के बच्चे को पेडंकुलेटेड वार्ट है ऑन टंग,
यार ये पहली बार सुना हूँ, टंग के ऊपर वार्ड भाई, कोई मान धर्म नहीं बचा बीमारी का। पूजा पूजा दीजिए 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में दो बार एक महीने तक। सरोज यादव जी, सर प्रोक्टाइटिस की मेडिसिन क्या होगी? एलो सरकंटीना होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, एलो सरकंटीना बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है प्रोक्टाइटिस। हाँ, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, सवाल को मैं क्लियर कर दूं, प्रोक्टाइटिस मतलब रेक्टम के इन्फ्लेमेशन को प्रोक्टाइटिस बोलते हैं, और ये अपने आप में एज ए स्टैंड अलोन बीमारी के रूप में दिख रहा है, हम देख रहे हैं लोगों के अंदर, ठीक है। तो एलो सोरकंटीना 30 पोटेंसी एंड पोडोफाइलम इन द 30 पोटेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन है प्रोक्टाइटिस का। सर आपकी बताई हुई दवा से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और क्या बीमारी ठीक भी हो गई है? थैंक यू सर। अरे वेलकम सर जी, वेलकम जी। सुबोध जी पूछ रहे हैं 25 साल की लड़की के पेट में गैस बहुत बनता है, खाने के तत्काल बाद मुंह में झाग जैसा बनने लगता है और सर्वाइकल की भी समस्या है। अभी कुछ मत करो इसको, सिर्फ पहले तो चाइना और लाइकोपोडियम दे दो यार, सबसे पहले यहीं से काम चालू करें, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। चाइना 30 एंड लाइकोपोडियम 30, चार चार गोली तीन बार एक महीने दे दीजिए, और एक महीने के बाद क्या क्या ठीक हो गया जो जो बचा है वो बता देना और बता दूंगा आपको। चिराज शेख सर, सर यूर डेली शॉर्ट्स आर मोर यूजफुल, आई एम शेयरिंग द शॉर्ट एंड ऑल्सो मेकिंग ऑल पॉजिटिव रिव्यूज ऑन द गूगल। थैंक यू सर जी, एंड ऑल्सो एनकाउंटर एंड गिव रिप्लाई टू ऑन यूर बिहाफ विदाउट यूर परमिशन सर जी। अरे थैंक यू सर जी, सर जी हर तरह के लोग होते हैं सर जी, अब सीधी सी बात है, हम देखिए हम ऐसे वर्ल्ड के ओपन ऑडियम पे आ गए हैं अगर, तो हम हर चीज फेस करने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैंने तो वो पोटेंशियली होल्ड कमेंट को होल्ड करके रखा है, नहीं तो मेरे को परेशान करने वाले कमेंट भी बहुत आते हैं। इतना अच्छा मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे जैसा डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे किसी टॉपिक पे मिल जाएगा ना, तो मैं सर पीट लूंगा अपना, आप जो बोलोगे वो करूंगा। और सोचो इतना अच्छा मैं बना रहा हूँ, उसके बाद भी लोगों को अगर कमी है दिख रही है, तो फिर ये मेरी कमी नहीं है, ये कमी लोगों के अंदर है बेसिकली, और ये मेरा नहीं उनका प्रॉब्लम है। नो लैग गुड स्ट्रीम, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। अरे सर जी गर्मी का दिन है ना सर, लैपटॉप थोड़ा सा मरता है यार, हल्का सा। कारण ये है कि अगर पावर बैकअप के ऊपर स्ट्रीम करते हैं ना, अगर लाइट जाए तो स्ट्रीम बंद नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है। सर प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम के लिए मेडिसिन, सेम मेडिसिन दयानंद यादव जी, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम के लिए जो मेडिसिन इज पोडोफाइलम 200 पोटेंसी एंड इग्निशिया अमारा करके मेडिसिन है, इग्निशिया 200 और पोडोफाइलम 200। और एक और आप चीज याद रखिए, फर्स्ट या फिर सेकेंड डिग्री से थोड़ा सा कम प्रोलेप्स होगा तो ही ये दवाओं से सही होगा, अगर सेकेंड डिग्री के ऊपर प्रोलेप्स हो रहा है ठीक है, तो फिर आप भूल जाइए, दवाओं से सही नहीं होगा रेक्टम का प्रोलेप्स, उसके लिए सर्जरी ही करानी पड़ेगी। सर प्लीज SGPT SGOT, अगर सर जी मैं भूल गया, SGPT एंड SGOT बेसिकली होता क्या है सर, एक जो होता है लीवर के ऑब्स्ट्रक्शन का मार्कर होता है, और एक जो होता है वो लीवर के डिस्ट्रक्शन का मार्कर होता है। एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ सर जी, टू बी वेरी फ्रेंक, कि SGOT में से कौन सा है और PT में से कौन सा है। तो जब भी क्या होता है, जैसे कि कहने का मतलब हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस जब भी होगा तो हेपेटाइटिस में इनमें से कोई एक बढ़ेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस में लीवर का इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन के कारण स्वेलिंग होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और एक डिस्ट्रक्शन में बढ़ता है, मतलब एक जो है सिरोसिस के अंदर बढ़ेगा जहां पे लीवर के सेल डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन SGOT एंड SGPT। बैड सॉफ्ट गेमर जी बोल रहे हैं, सर फीमेल 42 ईयर सफरिंग फ्रॉम द PAH पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ओके, एंड ट्राई कस्पिड रिगर्जिटेशन, टेकिंग द एलोपैथिक मेडिसिन, एनी रेमेडी इन द होम्योपैथी। नहीं सर जी थोड़ा सा मत करो आप लोग, आप लोग क्या पूछते जरूर हो, मेडिसिन भी मेरे को पता रहती है, पर मैं ये नहीं चाहता आप लोग फंसो किसी केस के अंदर, है ना, और मैं आपको सपोर्ट दे नहीं पाऊंगा इंस्टेंटेनियसली। कार्डियक केसेस आइदर इट इज एनी टाइप ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर जो सीरियस हो, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट को RHD हो गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, कोई वॉल्वुलर डिसऑर्डर है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानबूझ के मेडिसिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल टू हैंडल दीज केसेस। इनके अंदर जो इमरजेंसी आती है ना आपको, तो यू मेडिसिन देनी पड़ती है, एक एक घंटे के ऊपर मेडिसिन बदली है मैंने कार्डियक केस संभालने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत करिए प्लीज।
सर नेक एडिनॉइड्स पे की प्रॉब्लम है, मेडिसिन क्या होगी? दयानंद यादव जो बेराइटा कार्प है वो जो नेक के ऊपर बच्चों को यहाँ पे बीड्स बोलते हैं कई बार, बीड्स मतलब मोती जैसे वो होती है, ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्लैंड्स जो बढ़ जाते हैं, एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं नेक के ऊपर, द मेडिसिन इज द बेराइटा कार्प है ना, रघुनंदन सर बोल रहे, थैंक यू सर। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे कुछ वीडियो बना है सर जी? प्रीमेच्योर इजेकुलेशन पे है, ईडी पे बनाऊंगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बनाना है। प्रीमेच्योर तो मैंने पी के ऊपर बना चुका हूँ, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन पे आप देख सकते हैं, ईडी पे मैं श्योर सर बना दूंगा मैं। सर माउथ में राइचन प्लेनस की प्रॉब्लम है, हो रही है, प्लीज द मेडिसिन इज द सीपी इन द 30 पोटेंसी एंड थूजा इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में तीन बार। प्रतीक भैया पूछ रहे हैं सर जी क्लासिकल वाले मेंटल सिम्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं और क्लिनिकल वाले पैथोलॉजी को, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है सर जी प्रतीक, बिल्कुल सही है। क्लासिकल वालों को मेरे को देखना है यार, कोई क्लासिकल वाले को काम करते हुए, मतलब जैसे मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं अपना पूरा थॉट बताता हूँ आपको, ठीक है, कि मेरी ट्रेन ऑफ थॉट क्या है, मैं कहाँ से क्या चीज़ पकड़ रहा हूँ, कहाँ से क्या चीज़ पकड़ के मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर मैं कब होम्योपैथी चालू करी, होम्योपैथी में मैंने रिपर्टराइजेशन में क्या ढूंढा, तो पेशेंट को मेडिसिन दी, इसी स्ट्रीम के ऊपर 80 से ऊपर स्ट्रीम हो चुकी हैं लगभग, है ना? और आप लोग सब लोग गवाह हैं, ज़्यादातर लोग, कि मेरे को कितने बार ये कमेंट आता है कि सर आपकी बताई हुई मेडिसिन काम करती है, आपकी बताई हुई मेडिसिन से हम अच्छे हो गए, मेरी ये प्रॉब्लम अच्छी हुई, मेरी वो प्रॉब्लम अच्छी हुई, पर मेरे को कोई क्लासिकल वाला ऐसा नहीं मिला किसी भी स्ट्रीम के ऊपर या किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, कि कोई मेरे को आज तक एक पेशेंट ऐसा नहीं मिला। मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास सोचिए एन नंबर ऑफ डॉक्टर से पेशेंट आते हैं, एलोपैथ तो छोड़ दीजिए, भर भर के होम्योपैथिक डॉक्टरों को यूज करने के बाद मेरे पास पेशेंट आता है, उनमें क्लासिकल वाले भी होते हैं और लिटरली ये रिजल्ट नहीं दे पाते। तो मेरे को एक बार देखना है कि उसका क्या ट्रेन ऑफ थॉट होता है, मतलब मेरे को ऐसे देखना है, ऐसे बैठ जाते हैं ना कि वो मेरे सामने काम कर रहा हो, ये पेशेंट बैठा, ये क्लासिकल वाला होशियार बैठा, ये इससे क्या पूछेगा, वो क्या बताएगा, फिर इसको ये कैसे इंटरप्रिटेट करेगा, और ये इसकी दवा कैसे निकालेगा, और दवा कैसे देगा, और क्या वो फायदा करेगी। मेरे को एक बार ये पूरा कांड देखना है। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर सर, बेस्ट लाइव स्ट्रीम, थैंक यू जी। सर 10 महीने की बेबी गर्ल को वॉमिटिंग ड्यूरिंग द टीथिंग हो रही है, कुछ भी मत करिए, बेलाडोना दे दीजिए, बेलाडोना इन द 30 पोटेंसी एंड नंबर 21 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, बढ़िया हो जाएगी। सर 2 दिन से ब्लैक स्टूल हो रहा है, पिंकी दास जी एक मेडिसिन बता रहा हूँ ब्लैक स्टूल के लिए, पिंकी जी द मेडिसिन इज द लेप्टेंड्रा इन द 30 पोटेंसी, और मेडिसिन का नाम अच्छे से देखने के लिए मेरे शॉर्ट में जाइए, एक शॉर्ट बना रखा है ब्लैक स्टूल के ऊपर, लेप्टेंड्रा इन द 30 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, चार पांच दिन के लिए। श्री रामचंद्र मूर्ति जी बोल रहे हैं लेडी 78 कॉन्स्टिपेशन एंड इंसोमनिया बेल्चिंग आफ्टर फूड एंड लिक्विड, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, इंसोमनिया है, बेल्चिंग आफ्टर फूड है, लिक्विड एंड वाटर मेडिसिन, पल्सेटिला है ना रामचंद्र जी, पल्सेटिला इन द 200 पोटेंसी, चार चार गोली दिन भर में दो बार 1 मंथ के लिए। प्रतीक जी बोल रहे हैं सर जी सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी के 97, अरे माँ कर दी भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, पैथोलॉजी में 97 मार्क मिले हैं और 3 मार्क्स से फेल हो गया, क्या करें, 3 मार्क्स होते तो 100 पर पास हो जाता, तो नंबर पेपर कितने नंबर का हो रहा भाई। अरे कुछ नहीं यार, एक बार वो कर दो ना, वो रीचेक करने के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, कर दो एक बार, देखो 3 नंबर तो बढ़ा देगा यार दया धर्म में, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पे ध्यान मत दो, बस एजुकेट होने के लिए काम करो, बस नंबरों के लिए कभी मत भागो। मैं अपना कहानी बताऊं, लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोग अपने बच्चों के पीछे कैसे लट्ठे लेके पड़े रहते हो कि तेरे को टॉप करना है, टॉप करना है। मैं अभी एक छोटी सी अपनी कहानी बता दूंगा ना, तो यकीन नहीं होगा आप लोगों को, मेरे को अपनी लाइफ में पहली बार फर्स्ट डिवीजन आया था 12वीं में, 7th, 8th, 9th हैट्रिक मारी थी मैंने सप्लीमेंट्री की, सुन लो अच्छे से, 7वीं, 8वीं, 9वीं में सप्लीमेंट्री आई थी, 10वीं से जो दिमाग जागा था कि 12वीं में पहली बार फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीजन मेरे को अपने 12वीं में आया, आप सोच लो, सेकेंड टाइम फर्स्ट डिवीजन मेरे को BHMS के फाइनल ईयर में आया है, ठीक है, BHMS में मेरा बैग भी लगा है, आप सोचो उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा कि हमको किस दिशा में पढ़ना चाहिए, अपने दिमाग को एग्जैक्टली कब यूज़ करना चाहिए,
तो प्रतीक भैया ये BHMS में मत निचोड़ना दिमाग का निब्बू, बचा के रखना, प्रैक्टिस और क्लिनिकल लाइन में आ जाओ, फाइनल ईयर हो जाए उसके बाद खोलना दिमाग का पिटारा, तब आएंगी चीजें बाहर और तब अच्छा लगेगा पढ़ने में। टुडेज चैट लेटर्स आर एक्स्ट्रा बिग एंड बोल्ड, थैंक्स फॉर द गुड एफर्ट। थैंक यू सर जी। सर कौन से चैट? अच्छा चैट लेटर्स इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर जी, वो थोड़ा सा बड़ा करा मैंने उसको। हेमन सिंह जी बोल रहे हैं सर जी कोलोन में इंटरनल हेमरॉइड्स हैं, एस्कुलस 30 एंड एलो सोर्केंटीना 30 पोटेंसी में, है ना। ममता साहू जी बोल रहे हैं नमस्कार सर जी, सर 3-4 दिन से मेरे पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, लाइकोपोडियम लीजिए। ममता जी लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 4-4 गोली 3 बार, और जो लोग भी नए आए हैं प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम, लाइक कर दो, हैनीमैन के श्राप से बचो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी बताई गई दवाएं काम करें तो आपको लाइक करना मस्ट है, और करके देख लो एक्सपेरिमेंट, मत करना लाइक, और सुन लो दवा का नाम और खा लेना और देख लेना कितना फायदा करेगा। जादू है मेरे पास, जादू। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। दयानंद जी पूछ रहे हैं, दयानंद जी वैसे बात बताऊं सर की स्पेलिंग ऐसा ही यार होती है सर जी, सर 10 साल की बच्ची को बॉवेल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, डायग्नोज हुई है। दयानंद जी बस एक चीज करिएगा, अभी पिछले महीने एक वीडियो डाला है कोलाइटिस के ऊपर, उसको जाकर के देखिए, उसमें बताई गई दवाएं यूज करें। मानस कुमार जी बोल रहे हैं सर व्हाट आर द मिनिमम ग्रुप ऑफ द सिम्टम फाउंड इन अ केस फॉर विच वी कैन कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब द ब्राइनिया इन द फीवर। सर जी बहुत सारे हैं सर, ये तो बड़ा बहुत अजीब सा सवाल है सर, इसका जवाब बहुत लंबा है सर, अभी समय नहीं है, समय बंद करने का हो गया स्ट्रीम को। सर ओल्ड एज में नी पेन ग्रीस बढ़ाने के लिए अक्सर कोई वैसी मेडिसिन नहीं है सर, वी शुड फॉलो द सिम्टम नितिन नरूला जी, कोई ग्रीस होता ही नहीं है। अरे दरवाजे का कब्जा थोड़ी है कि उसमें ग्रीस लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गधा बनाते पागल बनाते ये सब ऑर्थोपेडिक वाले यार, ग्रीस खत्म हो गया, अरे कौन सा ग्रीस है यहाँ पे, है ही नहीं कोई सा ग्रीस, ऐसा थोड़ी होता है। सर जी लाइको और फॉस्फोरस से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज हो रहा है, पर LFT टेस्ट में प्रोटीन लो है, नहीं उसकी आप टेंशन मत लो, अपने आप हो जाएगा लेवल सर, है ना सर। जिस दिन प्रोटीन लो होगा ना पैरों पे अपने आप सूजन आ जाएगी, ये सब ये रिपोर्टों पे ध्यान मत दीजिए। मैं तो सर बहुत बुजुर्ग होम्योपैथ से सीखा हूँ सर, 90 साल के हैं वो हमारे डॉक्टर SL अली जिनने मेरे को सिखाया है काम, ये सब हम करते थे, वो गालियां देते थे हमको गंदी गंदी, वो यही बोलते थे, बोले साले जिस दिन प्रोटीन नीचे चला जाएगा उस दिन तेरे पैर सूज जाएंगे। मेरा प्रोटीन एक बार डिप मार गया था, एक बार ऐसे ही मैंने रिपोर्ट करा ली, एल्ब्यूमिन नीचे आया था, ग्लोब्यूलिन भी कम आया था, बोले जिस दिन कम होगा तेरे को अपने आप पता लगेगा, तेरे को रिपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो वो आदमी कितना कितना लिटरेट आदमी था, वो है मतलब अभी भी। तो अपने को बिल्कुल सर जी कभी कोई चीज ऊंची नीची होगी ना सर, अपने को रिपोर्ट कराने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्लिनिकल सिम्टम से वैसे ही पता चल जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। सर जी स्ट्रेस मार के होम्योपैथी ठीक हो सकते हैं, CPR दे सकते हैं सर जी, TSH एच 24 थूजा दे दीजिए जी, थूजा आशीष सिंह जी थूजा इन द 30 पोटेंसी 4-4 गोली दिन भर में 3 बार 1 मंथ के लिए, है ना। डॉक्टर तेजपाल सिंह दुधिया जी गुड नाइट सर जी, गुड नाइट सर, वेलकम टू द स्ट्रीम सर जी। मिल्क पीने की वजह से दर्द हो तो कलकेरिया कार में, ममता साहू जी और प्रतीक जी का लास्ट में ले रहा हूँ, मैं आज से हर्ष मोहन को थोड़ा डीप में अच्छे से पढ़ता हूँ ताकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फायदा होगा प्रैक्टिस में। तो चलिए दोस्तों मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, और जिन लोगों ने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं करा तो हनीमैन का श्राप आपके साथ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बचना चाहते हैं अभी लाइक करिए। जो लोग भी स्ट्रीम को बाद में देख रहे हैं रिपीट पे देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक द स्ट्रीम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपने ज़िंदगी के बहुमूल्य समय में से 1 घंटा निकालने के लिए, इस स्ट्रीम को देने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और हर रविवार को इसी तरह से रात को 9 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार।